हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी की रेसिपी। इस पनीर भुर्जी की खास बात यह है कि इसे मैं काफ़ी सारी वेजिटेबल डालकर बनाऊंगी, जिससे ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ ही काफ़ी टेस्टी भी होगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं झटपट बनने वाली इस हेल्दी पनीर भुर्जी को बनाना। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज, 4 लाल रंग के देसी टमाटर के अलावा 4 हरी मिर्च ली हैं। तो प्याज टमाटर को मैंने फाइनली चॉप्ड कर लिया है। वेजीज में मैंने फाइनली चॉप्ड बीन्स, गाजर, कैप्सिकम के अलावा हरे मटर लिए हैं। तो यहाँ पर इन सभी के अलावा हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स है पनीर। तो 250 ग्राम पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया है। कढ़ाही में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम कर लिया है। तो इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, साथ ही इसमें ऐड की है 2 पिंच हींग। तो हींग डाइजेशन के लिए काफी अच्छी रहती है, आप इसे जरूर डालें। कुछ सेकंड तक इन दोनों को रोस्ट करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ ये बारीक कटी हुई प्याज। तो पनीर भुर्जी में आप प्याज को इस तरीके से बारीक कट करके ही डालें। कंटिन्यूअसली चलाते हुए 2 मिनट तक प्याज को रोस्ट करने के बाद इसमें मैंने ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है। तो अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहो तो इसकी जगह अदरक और लहसुन को बारीक कट करके भी डाल सकते हो। तो इसे भी 1 मिनट तक भूनने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटे हुए टमाटर। और टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालें। इन्हें यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूंगी और टमाटर को सॉफ्ट होने तक कुक करूंगी। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट का समय हो चुका है, मैंने ढक्कन खोल लिया है। इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो 1/2 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाली है, 1/2 टीस्पून तीखी लाल मिर्च का पाउडर। अब मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसमें ऐड कर रही हूँ ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। 1/2 चम्मच मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है। तो लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 चम्मच पाव भाजी मसाला। इसे डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट इस पनीर भुर्जी में आएगा। तो अच्छे से यहाँ पर मसालों को मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास पाव भाजी मसाला नहीं है तो आप सब्जी मसाला भी इसमें डाल सकते हो। तो जब मसालों से ऑयल सेपरेट हो जाए तब इसमें एक एक करके सभी वेजिटेबल डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, पनीर अपने आप में काफी हेल्दी होता है, लेकिन इस तरीके से वेजिटेबल ऐड करने से हमारी ये पनीर भुर्जी और भी ज्यादा हेल्दी हो जाएगी। तो वेजिटेबल को पहले यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर इन्हें कुक करना है। तो अब मैं ढक्कन लगा लूंगी और ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट तक इन्हें कुक करूंगी। तो यहाँ पर 5 मिनट का समय हो चुका है, मैंने ढक्कन खोल लिया है। तो सब्जियों को चेक कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पर इसका आया है। तो मटर को मैंने इस तरीके से दबाकर चेक कर लिया है। तो यहाँ पर सभी वेजिटेबल बहुत अच्छे से कुक हुई हैं। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। तो इसमें मैंने 1/3 कप के लगभग पानी ऐड कर लिया है। इसे मिक्स कर लेंगे। तो जब पानी में बॉयल आ जाए तब यहाँ पर इसमें ग्रेटेड पनीर ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो सब्जियों को ऑलरेडी हमने कुक कर लिया है, तो पनीर को यहाँ पर कुक होने में बहुत कम समय लगेगा। तो मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर ढक्कन लगा लूंगी और ढक्कन लगाकर केवल 2 से 3 मिनट तक ही इसे कुक करूंगी। तो ढक्कन खोलकर इस पनीर भुर्जी को चेक कर लेंगे। तो पनीर भुर्जी यहाँ पर बनकर तैयार है। बहुत कम समय में ये पनीर भुर्जी यहाँ पर बनी है। तो लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी को मैंने हाथ से क्रश करके इसमें डाला है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो इसे यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पनीर भुर्जी तैयार है। तो आप इसे रोटी, नान, पराठे या ब्रेड, अपनी मनपसंद किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस पनीर भुर्जी को सर्व कर रही हूँ इस सर्विंग कढ़ाई में। तो फ्रेंड्स, आप भी इस तरीके से इस बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पनीर भुर्जी की इस रेसिपी को अपनी फैमिली के लिए जरूर ट्राई करें।
मैं आशा करती हूँ मेरी आज की ये रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।